हेलो फ्रेंड, तो आज की मेरी वीडियो है कि हम मटर को कैसे स्टोर करें लंबे टाइम के लिए। मैं टिप के साथ मटर स्टोर करना बताऊंगी कि हम घर में ही कैसे फ्रोजन मटर तैयार करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार। तो आज की जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो एक ट्रिक है कि हम लोग कैसे विंटर में मटर को स्टोर करें। मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगी कि हम लोग कैसे अपने मटर को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि विंटर के टाइम पे मटर बहुत अच्छी और बहुत अच्छे दामों पे हमको मिल जाती है। तो जो हम लोग फ्रोजन मटर बाहर से लेके आते हैं उससे अच्छी मटर आप लोग अपने घर पे लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। मैं आप लोगों को टिप एंड ट्रिक बताती रहूंगी कि प्रॉपर वे क्या है, मटर हम लोग कैसे लंबे टाइम के लिए स्टोर करें। मैं हमेशा इसी तरीके से मटरों को स्टोर करती हूँ। और जब समर में कोई सब्जी नहीं होती है, जब एक ही तरीके की सब्जी हम भिंडी लौकी खा के बोर हो जाते हैं, तो उस टाइम पे मैं बीच बीच में इन मटरों को निकाल के मटर पनीर, मटर पुलाव कुछ भी मैं बनाती हूँ। तो वही तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग ये वीडियो पूरी लास्ट तक जरूर देखिए। मैं प्रॉपर ट्रिक आपको बताती रहूंगी कि क्या क्या तरीके अगर हम लोग आजमाते हैं जिससे कि हमारे मटर लंबे टाइम तक स्टोर हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मैंने मटर स्टोर करने के लिए यहाँ पे मैंने 1 से 2 किलो ये मटर ले लिए हैं। बस कुछ स्टेप्स हम फॉलो करेंगे तो हमारे मटर बहुत लंबे टाइम तक स्टोर हो सकते हैं। तो मटर स्टोर करने से पहले आप एक बार मटरों को छांट लीजिए। कोई भी खराब मटर उसमें नहीं डालना चाहिए, जैसे कहीं पे काले से छिलके कुछ कलर आ जाता है, काले सी फंगस या बहुत ही ज्यादा छोटे तो दाने होते हैं उनको हम लोग निकाल देंगे। तो वो छांट लीजिए एक बार मटर, सारे साफ दाने और बड़े बड़े दाने ही, कोशिश करिए कि इस तरीके के बड़े दाने ही मटर वाले हों। तो ये हम लोगों ने मैंने छांट लिए हैं, बारीक मटर हटा लिए हैं, काले मटर हटा लिए हैं, ये सब साफ मटर है। और मैंने एक साइड पानी गर्म होने के लिए रखा है और ये पानी गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। ज्यादा नमक नहीं डालना है, चुटकी भर नमक डालेंगे। और इसी में मैं आधी छोटी चम्मच चीनी डाल दूंगी। चीनी इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो मटर का कलर है वो ग्रीन रहे लंबे टाइम तक। जब आप इसको बनाएंगे इन मटरों को तो ये उस टाइम पे भी ग्रीन रहेंगे, इसलिए चीनी का यूज करना है। और ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, कोई कंपल्सरी नहीं है। बस मटरों का रंग बरकरार रखने के लिए ही हम इसमें चीनी डालते हैं। तो जैसे ही इसमें एक बॉइल आएगा फिर हम इसमें मटर डालेंगे। तो देखिए पानी में ये बॉइल आ रहा है और मैंने गैस की फ्लेम को एकदम से ऑफ मिसिंग कर दिया है। और यहाँ पे मैं अभी ये मटर इसमें डाल दूंगी। बस इसको ज्यादा नहीं हमें पकाना नहीं है, सिर्फ इसको हमें गर्म पानी में रखना है थोड़ी देर के लिए। जैसे ही ये सारे मटर धीरे धीरे करके ऊपर आ जाएंगे तो हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। देखिए जितने मटर नीचे बैठ गए थे अभी सारे के सारे मटर ऊपर आ गए हैं। और कितना अच्छा कलर इन मटरों के ऊपर आ गया है, ग्रीन कलर। तो यही कलर हमको चाहिए था। अब इस स्टेज में हम इन मटरों को निकाल लेंगे। हमें ओवर कुक नहीं करना है मटर, ये ध्यान रखिए, सिर्फ गर्म पानी में डालना है। तो इनको मैं ऐसे निकाल देती हूँ। तो देखिए ये सारे मटर मैंने एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब वो जो उसमें पानी बचा हुआ है बर्तन में, इसी बर्तन में मैं और जो मेरे मटर दूसरे वाले थे उनको भी डाल दूंगी। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार पानी चेंज करना है, आप एक पानी डालने के बाद उसमें 1 से 2 किलो मटर आराम से ऐसे बार बार कर सकते हैं। तो इसको भी अभी वेट कर लेते हैं कि ये मटर ऊपर आए। अब जो ये मैंने मटर प्लेट में निकाल के रखे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, ये बहुत मेन स्टेप है, इसको हमें करना है। ये मैंने एक किचन टॉवल लिया है, उसको मैंने साफ कपड़े को फैला लिया है। इसमें मैं अभी सिर्फ मटर ही मटर के दाने किचन टॉवल के ऊपर डालूंगी। जो नीचे प्लेट के नीचे पानी है उसे नहीं डालेंगे, इसको हम ऐसे डाल देंगे सारे मटर के दानों को। इस तरीके से हमें डालना है, पानी प्लेट में ही रहना चाहिए। या आप इसको स्ट्रेन कर सकते हैं अगर आपके पास स्ट्रेनर है तो। ये मैंने सारे फैला दिए हैं। अब इन मटरों को, अभी ये गर्म है, हल्के से इसको हमें फैला लेना है ऐसे करके किचन टॉवल में, ताकि जो इसके अंदर पानी है, जो नमी है, वो अच्छे से टॉवल एब्जॉर्ब कर ले और हमको एकदम सूखे मटर मिले। ऐसा हम इसको ओवरनाइट भी कर सकते हैं, या 4-5 घंटे के लिए हम इसको कपड़े में फैला के रख सकते हैं, उसके बाद हम इसको स्टोर करेंगे। इसको मैं 3-4 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ।
तो देखिए ये मैंने मटर ओवरनाइट रखे थे और इस मटर में बिल्कुल भी नमी नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है। ऐसे ही इनको हमें पानी को सुखा लेना है अच्छे से। तो ये मटर मेरे सूख चुके हैं और देखिए कितना अच्छा ग्रीन कलर आया है इसमें। अब हम क्या करेंगे, ये जो जिपलॉक वाली पन्नी मार्केट में आती है ये वाली पन्नियां ले लेंगे और इस पन्नी के अंदर हम मटर को डालेंगे और यहां से इसको जिप लगा लेंगे। तो मैं इसके अंदर ये मटर डाल देती हूँ। मैं हमेशा हर साल ऐसे ही मटर स्टोर करके रखती हूँ, 5-6 महीने आराम से चल जाते हैं। मैं ज्यादा नहीं करती हूँ, बस थोड़े बहुत ही रखती हूँ ताकि कभी मटर पुलाव बनाना है समर में, या कभी रोज की सब्जी लौकी टिंडे भिंडी खा के अगर बोर हो गए हैं तो उस टाइम पे आप ये मटर निकाल के बना सकते हैं सब्जी। फ्रोजन मटर लाने की आपको जरूरत नहीं है। और आप एक बात और ध्यान रखिए, आप एक पन्नी में उतने ही मटर रखिए जितने आप एक बार में बनाते हैं सब्जी के लिए। तो उतने ही मटर हम इस पन्नी में डालेंगे, ये नहीं कि आप इसको भर दें और फिर जब आप इसको निकालें तो उसमें बर्फ जम जाती है, उसे बाहर निकालना रखना उससे भी मटर थोड़े से स्मेल आती है। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली है कि जितने आप सब्जी एक बार में आप डालते हैं मटर पुलाव में या मटर की सब्जी में, उतना ही हमको इस पन्नी में रखना है। तो मेरी एक बार के लिए ये मटर बहुत है, तो मैं इस पन्नी में इतना ही रखूंगी। और अब मैं इसको लॉक कर दूंगी यहां से इस तरीके से। तो ये लॉक हो चुकी है। अब इस तरीके से हम इस मटर की पन्नी को फ्रीजर में रख देंगे। और ये ध्यान रखिए, इसको फ्रिज में नहीं रखना है, इसको हम फ्रीजर में रखेंगे। और अगर आपको जब बनाना है तो आप निकालिए और आपके घर पे ये फ्रोजन मटर तैयार हो जाएंगे। तो मैं देखिए मैंने मटरों को पन्नी में डाल दिया है। मैं हर साल इसी तरीके से मटर रखती हूँ और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। तो आप लोग ये मटर बनाइए, क्योंकि अभी बहुत सस्ते मटर हैं तो हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं लंबे टाइम के लिए, ये खराब नहीं होते हैं। और जब आपका मन करता है आप इससे मटर पुलाव बनाओ, आलू मटर बनाओ, मटर पनीर बनाओ, कोई भी सब्जी आप इससे बना सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से रखती हूँ। अब मैं इनको फ्रीजर में रखूंगी। बस यही ध्यान रखना है कि इसे हमें फ्रीजर में रखना है, ना कि फ्रिज में। तो मैं इसे अभी स्टोर करके रख देती हूँ। तो देखिए ये मैंने मटर स्टोर करके इस पन्नी में रख ली है। मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी कि अगर आप लोगों के पास जिप लॉक वाली पन्नियां नहीं है तो ये जो सब्जी की मार्केट में जो सब्जी वाली जो हमें पन्नियां मिलती हैं हम उसमें भी लगा सकते हैं मटरों को। ये मैंने कुछ दिनों पहले स्टोर करके रखी थी और उसको गांठ लगाने के बाद आप ऐसे उसको रबर से टाइट करके बांध दीजिए। और ये मेरी एक बार सब्जी बनाने के लिए ये मेरे मटर है, तो जब भी मेरे को बनानी है तो ये मैं मटर की पैकेट निकाल लूंगी। आप कोशिश यही करिए कि आप थोड़ी थोड़ी मात्रा पे मटर रखिए और उसको बार बार मत निकालिए फ्रिज को, जितना कम हो सकता है उतना कम खोलिए और ये मटर निकाल के पानी में डालिए और नॉर्मल तरीके से जैसे आप सब्जी बनाते हैं उस तरीके से बनाइए। आप इन पन्नियों में भी आराम से स्टोर करके रख सकते हैं मटर। देखा आपने कितना आसान है मटरों को स्टोर करना। और जब आपका मन करता है आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में मटरों को निकालिए और अपनी मनपसंद सब्जी बनाइए मटर के साथ। मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि आप इसको पूरे एक साल तक स्टोर करिए, आप लोग इसको 6-7 महीने के लिए तो स्टोर करके रख ही सकते हैं और अपनी मटर की सब्जी इंजॉय कर सकते हैं। आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर ये आपको अच्छी लगे, आपकी काम की ये वीडियो है, तो प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिए नीचे, तो मुझे अच्छा लगेगा। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है और मैं बहुत मोटिवेट हो जाती हूँ। आप लोगों ने ये मेरी पूरी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।